दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गीता किचन में। आप लोग को मैं मच्छी बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। देखिए, इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। इसमें हल्दी 1 चम्मच डाल देती हूँ, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाल देती हूँ, जीरा पाउडर 1 चम्मच डाल देती हूँ और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम पूरा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। मिक्स हो चुका है। अब हम एक गैस पे कढ़ाई रख देते हैं। अब मैं तेल डाल देती हूँ। अब तेल को थोड़ी टाइम तक गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, इसे थोड़ा हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से अब इसमें हम मच्छी डालेंगे फ्राई होने के लिए। अब इसमें हम मच्छी डालेंगे, चारों तरफ मच्छी फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अब इसे थोड़ा टाइम तक लाल होने देंगे। ये मैंने सरसों ली हूँ, लहसुन का कली ली हूँ और 4-5 लाल मिर्ची ली हूँ। अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं अभी जब तक मच्छी फ्राई हो रही है तब तक मैं मसाला पीस कर रेडी कर लेती हूँ। मेरी मच्छी फ्राई हो चुकी है और मैं करी की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मेथी डाली हूँ और उसके बाद मैं मसाला इसमें डालती हूँ। राई डाली हूँ, मिर्ची और अदरक, हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा मिर्ची पाउडर, जीरा, धनिया डाल दूँ और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा धनिया पत्ता और इसको मैं थोड़ा पका लेती हूँ। मेरी मसाला पक चुकी है, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। अब इसको मैं खोलने तक ढक के रख देती हूँ। मेरी ग्रेवी उबल चुकी है, इसमें फ्राई पीस मैं डाल देती हूँ। धनिया पत्ता डाल देती हूँ। अब इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए फिर मैं रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुकी है, मैं खोल के देख लेती हूँ। मेरी मच्छी हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया दिख रही है। अब मच्छी बन चुकी है, मैं गैस बंद कर देती हूँ।
ऐसे अच्छे रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।